ये है वक्त मीडिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में 11 अगस्त 2017 को नगर पालिका परिषद बागपत ने उत्तर प्रदेश के बागपत में एक विशाल मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की नगर पालिका परिषद बागपत के चेयरमैन श्री राजुद्दीन एडवोकेट जी ने। इस कार्यक्रम के कन्वीनर रहे श्री महेश शर्मा जी। जी हाँ, श्री महेश शर्मा जी ने इस कवि सम्मेलन एवं मुशायरे को आयोजित करने में अपना विशेष योगदान दिया। दो दिन से परेशान हूँ, मुझ पर ये कर्म कर दो। जितने बुजुर्ग हजरात हैं उनकी समातों की नजर ये चार मिसरे कि दो दिन से परेशान हूँ, मुझ पर ये कर्म कर दो। जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज मुझे मत दो बस नाक में दम कर दो। मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज मुझे मत दो बस नाक में दम कर दो। आइए हजरात, इस माहौल को संभालने के लिए दिल्ली के बाद मैं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही अदबी शहर जिसे कानपुर के नाम से शनाख्त किया जाता है, उस कानपुर से ताल्लुक रखने वाला एक बड़ा ही मारूफ शायर, एक बड़ा ही मारूफ कवि जिसका मिजाज हास्य व्यंग का मिजाज है, जनाबे हेमंत पांडे से मैं दरखास्त करता हूँ कि तशरीफ लाए और अपने मजाहिया कलाम से इस मुशायरे की समातों को शगुफ्ती बख्शे, इस मुशायरे की समातों को जिंदा दिली बख्शे। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए, जनाबे हेमंत पांडे माइक। आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय नवाब साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, हमारे पार्षद जी हैं, महेश शर्मा जी हैं। जब आपका क्षेत्र का कोई नेता, आपका पार्षद, आपका चेयरमैन कविता को सुने तो ये लगना चाहिए कि कविता जिंदा है। वैसे मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, उस प्रदेश का हूँ जहाँ के लोग आजकल अपने बाप की नहीं सुनते, लेकिन आप लोग कविताएँ सुन रहे हैं। मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, बहुत टॉप का कवि हूँ। मैं प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूँगा। अभी मोनिका जी कह रही थी कि मैं अपनी पंक्तियाँ बाबा जी को समर्पित करना चाहती हूँ। अब बाबा जी को समर्पित कर दोगे तो बाबा जी उसका क्या करेंगे? समर्पित करना किसी नौजवान को करो। एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए, जोरदार। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूँगा। प्यार मोहब्बत से बहुत मैं दूर रहता हूँ। और देखिए, चार कवित्रियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, अनामिका अंबर देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री वो भी बैठी हुई हैं, हम चार लोग उधर बैठे हैं। हालांकि हमसे संचालक जी ने कहा था कि तुम इधर बैठ जाओ, हम इधर बैठ जाते। अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ना होती तो हम यहीं बैठते। क्या कहने हैं, लेकिन जब से योगी की सरकार आई हमको बहुत डर लगने लगा है कि भरोसा तुम्हारा ना करते तो क्या करते। और चौथी पंक्तियों में हाथ उठा के ताली बजा के मुझे ये बताइएगा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। मैं इन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठा हूँ कि भरोसा तुम्हारा ना करते तो क्या करते, दूर जाने का इशारा ना करते तो क्या करते, योगी की पुलिस जब पीछे पड़ी हो तुमसे किनारा ना करते तो क्या करते। बड़ा डर लग रहा है भाई साहब हमको। और मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करना तो छोड़ो भैया, ये चाय पानी थोड़ी देर बंद कर दो, थोड़ी देर हमको अपना सामान बेच लेने दो। मैं प्यार मोहब्बत में लिखना पढ़ना तो छोड़िए चेयरमैन साहब, हमने आज तक किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। सही बता रहा हूँ, लड़कियों की एक जन्मजात बीमारी होती है। अगर वो बीमारी अगर लगे कि मेरी बात नहीं आपकी बात है तो तालियां आनी चाहिए। लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती है, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो बड़ा डर लगने लगा हमको। ये हमारे संचालक जी बैठे, तमाम बार बुला चुके, एक दिन इनके घर में रुके थे, इनके घर में एक जानवर पला है। हमने कहा भाई साहब आपका ये कुत्ता है ये तो शेर की तरह लगता है, हमसे बोले पांडे गौर से देखे शेरी है, जब से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। तब से बड़ा हमको डर लगने लगा है। अच्छा, प्यार मोहब्बत में जब से राजनीति घुस गई है तब से हम लोग और डरने लगे हैं कि वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, प्यार मोहब्बत से हम लोग क्यों दूर रहते हैं कि वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज फिर किया प्रपोज, ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस, वो भी धीरे से मुस्कुराई मेरे करीब आई, बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी पर तुम केजरीवाल की तरह बदल जाओगे। वाह वाह वाह। तो तमाम कारण है, हालांकि ये राजनीति आज हमारे घर में भी घुस गई है। इस समय हम लोग टीवी चलाते हैं तो एक डिबेट चल रहा है, एक डिबेट आता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 3 वर्ष हो गए,
सामने विपक्ष के लोग बैठते हैं चेयरमैन साहब, वो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले कहते 3 साल में हमने बहुत कुछ किया, विपक्ष वाले कहते तुमने कुछ नहीं किया। अच्छा वो राजनीति उठ के हमारे घर तक चली आई, मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है और पति अगर कांग्रेस का है तो राजनीति हमारे घर तक कैसे चली आई है कि थी बीजेपी से, पत्नी बोली जून को चलो, अगर व्यंग समझ में आ जाए तो आपकी तालियां आनी चाहिए, थी बीजेपी से पत्नी बोली जून को चलो, जाने मन जल्दी हनीमून को चलो, 3 साल हो गए हम डांस करेंगे, अच्छे दिन आ गए हम रोमांस करेंगे, अब कांग्रेसी पति बोला हर हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं। आपकी समझदारी को प्रणाम करता हूं, सही बता रहा हूं आपको, बड़ा समझदार हैं आप लोग, कि थी बीजेपी से पत्नी बोली जून को चलो, जाने मन जल्दी हनीमून को चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 3 साल हो गए रोमांस करेंगे, अब कांग्रेसी पति बोला हर हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। बड़ा समझदार है आप लोग, राजनीति हमारे घर में घुसाई है कि बेटा बोला बाप से काम करोगे, और चौथी पंक्ति फिर अगर खट से लग जाए तो ताली बजा के मुझे बताइए मेरी बात सही है, कि बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे, गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है, अबे सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा अडवाणी नहीं हूं। तो हम लोग तो भाई साहब प्यार मोहब्बत के लोग हैं, हम लोग हास्य कवि हैं, और इसीलिए बुलाए जाते हैं कि आपकी टेंशन इंसन दूर हो जाए, देश की बिल्कुल चिंता हम लोगों को नहीं, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, देश की चिंता चेयरमैन साहब को है, आप लोगों ने बना दिया, चेयरमैन साहब पर हमें देश की कोई चिंता नहीं, हमारे शायरों को भी कोई चिंता नहीं है, बताइए हम लोगों के हाथ में कुछ है, जिनके हाथ में कुछ नहीं उनको देश की चिंता खाई जा रही है, जिनके हाथ में सब कुछ है पूरा देश खाए जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, तो हमको देश की बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, सही बता रहा हूं आपको, हम लोग टेंशन दूर करने के लिए बुलाए जाते हैं, 10-15 मिनट हम लोग आपके सामने होते कि आपकी टेंशन दूर हो जाए, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर फोन आ जाए कि पाकिस्तान या चीन से युद्ध चालू, हम लोग टेंशन में हो जाएंगे, टेंशन का कोई भरोसा नहीं, राह चलते आपको को टेंशन मिल जाए, मैं आपको बता दूं टेंशन किस तरह मिल जाती है, एक दिन अपनी कार से जा रहे थे, एक सुंदर लड़की ने हमसे लिफ्ट मांग ली, भाई साहब हमको आगे छोड़ दो, हमने उसको बैठा लिया, हम 4-5 किलोमीटर आगे गए तो लड़की बेहोश हो गई, हम उसको एक नर्सिंग होम में लेके गए ठीक हो जाए, डॉक्टर का आधे घंटे इंतजार करते रहे, इसको हुआ क्या है, डॉक्टर आधे घंटे बाद आया, हमसे कहने लगा बधाई हो आप बाप बनने वाले हैं, वाह वाह, ये टेंशन भाई साहब, मतलब आप अच्छा काम करिए तो टेंशन, हमने कोई बुरा काम तो किया नहीं, एक लड़की को लिफ्ट दी थी, हमने डॉक्टर से कहा इसके होने वाले बच्चे के बाप मैं नहीं हूं, तो डॉक्टर ने कहा जब तक लड़की घोष नहीं आ सकता यहां से नहीं जा सकते, आधे घंटे बाद लड़की घोष आया, उससे पूछा गया, उसने कहा यही हमारे होने वाले बच्चे के बाप। दूसरी टेंशन भाई साहब, वहां पुलिस बुलानी पड़ी, हमारा मेडिकल जांच हुआ, उस मेडिकल जांच में रिपोर्ट आई कभी हम बाप नहीं बन सकते। ये तीसरी टेंशन, क्या कहने, 3 टेंशन एक साथ साथ, पर हमको ये अच्छा लगा लड़की से पीछा तो छूटा, जब हम नर्सिंग होम से बाहर निकल के आए तो हमारे दिमाग पे एक बात आई, अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 2-3 खेल रहे हैं, क्या कहने, वाह वाह, ताली जोरदार बजा दीजिए एक बार, हम बता चुके हैं बहुत अच्छे कवि हैं हम, और बार बार नहीं बताएंगे हम, और हम उत्तर प्रदेश से आए ये भी आपको बता चुके हैं, हमारे संचालक साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार इनके सम्मान में आपकी तालियां हो जाए, निजामत करना बहुत बड़ी बात होती है, देखिए कितने खूबसूरत हैं, ढूंढ के बुलाए गए हैं, हिंदुस्तान में 2-3 ऐसे निजामत और संचालक हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इतने अच्छे मित्र हैं कि हमको आज तक किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी, सही बता रहा हूं आपको, हमारे बहुत अच्छे मित्र हमारे के देखिए कितने दुबले पतले कितने स्मार्ट हैं, इनकी जो पत्नी है हमारी भाभी वो भी बहुत दुबली पतली है, अच्छा हुआ इनकी शादी एक पहले मोटी लड़की से फाइनल हुई थी, उस मोटी लड़की से इनकी शादी नहीं हुई, इनके चेचिस देखिए, अगर उस मोटी लड़की से इनके शादी हो जाती तो पेपर के अगले दिन पता क्या हेडिंग छपती, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, क्या कहने, यही होती भाई साहब, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत, गर्मियों कवि सम्मेलन में इनको बांधना पड़ता है। अच्छा कौमी एकता के शायर हैं, ये हमारे साथ होली मनाते हैं, इनके साथ ईद मनाते हैं, तो करवा चौथ भी मनाते हैं, तो भाभी ने कहा हमारे लिए फ्रूट से ले आना फल, ये गन्ना लेके पहुंच गए, इन्होंने भाभी से पूछा कैसा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है, क्या कहने, ताली जोरदार एक बार बजा दीजिए आप, वाह वाह वाह,
हम आपको बता चुके हैं, हम आपकी टेंशन दूर करने के बुलाए गए हैं, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, फालतू बात करना भी नहीं चाहिए। सामने एसपी ऑफिस है, यहाँ पर वहां पर पुलिस वाले बैठ के कविता सुन रहे हैं जो किसी की नहीं सुनते। क्या कहने, हालांकि हिंदुस्तान की पुलिस बहुत अच्छी होती है, हिंदुस्तान की पुलिस की ना बुराई करता हूँ ना बुराई सुनता हूँ मैं। एक हमारा अमेरिका का मित्र है, कहने लगा यार तुम्हारे हिंदुस्तान की पुलिस ढीली बहुत है, अमेरिका की पुलिस बहुत टाइट है, हमें वैसा बहुत खराब लगा। हिंदुस्तान पुलिस को कोई ढीला कहता है तो हमको बहुत खराब लगता है। कह लगा तुम्हारे हिंदुस्तान की पुलिस बहुत ढीली है, अमेरिका की पुलिस बहुत टाइट है। हमने कहा अमेरिका पुलिस टाइट है? उसने कहा हाँ। हमने कहा दाऊद को पकड़ पाए? उसने कहा नहीं पकड़ पाए। हमने कहा हमारा हिंदुस्तान पुलिस को मौका दे दो, 24 घंटे तब होंगे जब 10 आदमी थाने में खुद ही कहेगा हम ही दाऊद हैं। क्या कहने, वाह। असल में हिंदुस्तान की पुलिस बहुत सिस्टमैटिक होती है, नवाज साहब बैठे हुए हैं, बहुत सिस्टमैटिक होती है। मैं तो कानपुर में रहता हूँ, लोकल कभी सम्मेलन कभी कभी मोटरसाइकिल से निपटा लेता हूँ। एक दिन मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक दरोगा जी मिल गए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कभी सम्मेलन मुशायरे में। बोले हेलमेट तो तुम लगाए नहीं हो। हमने कहा दरोगा जी हेलमेट नहीं लगाए। बोले तुम्हारा चालान करेंगे। हालांकि उस दिन हमारी जेब में 100 रुपए का नोट था। हमने कहा दरोगा जी 100 रुपए है और 100 ही रुपए है, अगर हमने आपको दे दिया तो। कहने बेटा चिंता ना करो, अगर तुमको कोई आगे रोक ले तो तुमको एक मंत्र दे रहे हैं, तुम कह देना तोता, तुम बच जाओगे। हम 4-5 किलोमीटर आगे बढ़े, फिर दरोगा जी मिल गए हमसे, बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा मुशायरे में। बोले हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे? हमने कहा तोता, हमसे बोले उड़ जा। क्या कहने, वाह। हम 4-5 किलोमीटर आगे चले गए, फिर नए दरोगा मिल गए, बोले कहाँ हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे? हमने कहा तोता, हमसे बोले भाग जा। अच्छा 100 रुपए का नोट दिया था, हमने सोचा एक हफ्ते इसी काम चलाएंगे। एक हफ्ते बाद फिर उसी चौराहे से निकले, फिर दरोगा जी मिल गए, बोले कहाँ हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे? हमने कहा तोता। उस सिपाही से बोला इसका चालान कर, इसको बता तोता नहीं कौआ है। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। बहुत सिस्टमैटिक होते हैं हिंदुस्तान की पुलिस। वाह वाह। मैं अपने विषय में बता चुका हूँ, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। मेरी हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। असल में हम लोग हाथ से कभी हैं, हम लोगों की शादियां आती हैं, पता चलता है लड़का हाथ से कभी तो रिश्ते लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? अब हमारी माँ ने बता दिया कभी है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कभी। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कभी। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता? हमारी माँ ने कहा कभी। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कभी के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कभी, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते हमारे लौट गए, सही आपको बता रहा हूँ। अच्छा इस समय लड़कों का इंटरव्यू लिया जाता है, पहले हम लोगों की शादी हो जाती थी, तमाम लोग बैठे हैं बुजुर्ग, घर वालों ने कहा कि तुम्हारी शादी फाइनल तो शादी हो गई। आजकल लड़कों का इंटरव्यू लिया जाता है, जिनकी शादी नहीं उनके साथ ऐसा होगा। हम लोग बायोडाटा रिज्यूम पहले नौकरी के लिए बनाते थे, आजकल पत्नियों के लिए बनाना पड़ता है। तो एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के पिताजी ने कहा बेटा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे इंटरव्यू ले रहे थे, अगर तुमने बता दिया तो शादी फाइनल नहीं परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने कि तुम पढ़े लिखे कितना हो? हमने कहा कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ, अंग्रेजी से एमए किया है। बोले अंग्रेजी आती है? हमने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले ABCD आती है? हम अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है? हमने कहा आती है। कह रहे हैं आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। अब छोटी ABCD कहाँ सुनाते हम? कहने के तुम अंग्रेजी फेल, गणित आती है? हमने कहा आती है। कहने के 41 का पहाड़ा सुनाओ, हम उसमें भी फेल। कहने लगे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दिया तो फाइनल नहीं परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे 10-12 हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ, तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई, ये हमारे मोहन मुंतजिर जी हमारे निजामत कर रहे हैं, हमारे मित्र जी सभी लोग आए थे, कानपुर में हमारी शादी थी। उसी दिन भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल क्रिकेट का मैच था, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा था, हमारी शादी। हमने अपने पिताजी से कहा आज के दिन शादी न करिए, पूरा देश मैच देख रहा है, आप हमारी शादी करो। नहीं माने। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था, हमारी शादी थी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे और कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे और कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे, जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। वाह वाह वाह। हम डर गए भाई साहब, हमने कहा कहां छक्का? तो कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? वो शादी के पहले दिन छक्का कह रहा,
और देख के हमको, हमने कब की मारे तुम्हारी तरफ ना देखना। पता चला 5 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई, किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां बेटा, हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो इसे आप लोग बजा रहे जैसे मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ? बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। वो कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को अगर गधी बहक गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया, एक हफ्ते लगातार हम भागते रहे। जब हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया, वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूपनखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूपनखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। खैर हमने रात भर सूपनखा का रोल किया, सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूपनखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे, हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं, बोले बेकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। 10 मिनट बाद हम चले गए थाने, हमारे घर के सामने थाना है। हम गए एसपी साहब के पास, हमने उनके पैर छुए, हमने कहा हमारे साले खिले एफ आई आर लिख लीजिए। कहने लगे तुम भी हेमंत पांडे हो? हमने कहा। कहने लगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। हमने उनके पैर छुआ। अगर आपको लगे एक टिप्पणी में बिना किसी नेता बिना किसी दल का नाम लिए बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है उत्तर प्रदेश की, तो हाथ उठा के ताली बजा के कल ये बता दीजिएगा मेरी बात समझ में आ गई। हमने एसपी साहब के पैर छुआ, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने के शर्म नहीं आती, पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए? हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। अब आखिरी ऑप्शन हमारे पिताजी, कि हमने बापू से पूछा होने वाली बीबी का नाम, वो बोले मुन्नी बदनाम। हमने बापू से पूछा होने वाली बीबी का नाम, वो बोले मुन्नी बदनाम। हमने कहा ये भी कोई नाम, पूरी झंडू बाम। वो बोले तू भी कौन सा दूध का धुला है, न जाने कितनों के प्यार में घुला है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ निभाना, वो अगर झंडू बाम है तो माटोमास बन जाना। और मुझे मालूम है तो कितनों पे मरता है। अगर आपको लगे हंसाते हुए छोटे से कलमकार ने कविता कर दी हो तो मुझे आशीर्वाद, मुझे दुआएं दीजिएगा। वो बोले मुझे मालूम है तो कितनों पे मरता है फिर भी बदनामी से डरता है। सच तो ये है कि जहाँ चैनलों में शिला जमान होती है, मुन्नी खुलेआम बदनाम होती है। देश के स्मिता का चीर हरण जहाँ सरेआम होता है, वहाँ कल मुन्नी नहीं सारा देश बदनाम होता है। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। आपने इस व्यंग पर तालियां बजाकर मुझे धन्य कर दिया। कौमी एकता का मंच है, हिंदू मुस्लिम मुसलमान की बात है, लोग कड़वाहट पैदा कर रहे हैं। अभी अमरनाथ पे जब हमला हुआ, अमरनाथ बस जब जा रही थी उसमें 80 लोग बैठे थे, उसमें केवल 5 लोग मरे, उसमें 80 के 80 लोग मर जाते। उसका जो ड्राइवर था उसके पेट में गोली लगी, 4 किलोमीटर तक वो गाड़ी चलाता रहा, वो मुसलमान था, हिंदू नहीं था। फक रहा है हिंदुस्तान के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये कुछ लोग हैं जो तोहमत लगाते हैं। एक छोटा सा व्यंग पढ़कर, जिस व्यंग ने मेरी पहचान पूरे हिंदुस्तान ने बनाई, अगर आपने पास कर दिया, आदरणीय साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, इस समय टीवी में एक और विषय चल रहा है। आजकल के नेता ये तय करते हैं, वो बताते हैं बेटा तुम देशद्रोही हो, तुम देश प्रेमी हो। कभी कभी मैं सोके उठता हूं तो नवाज साहब मुझे शक होता है मैं देश प्रेमी हूं कि नहीं, क्योंकि नेता तय करते हैं देशद्रोही हो या देश प्रेमी हो, यह हम लोग नहीं तय करते, आजकल का नेता तय करता है। उस पर एक छोटा सा व्यंग, अगर आपको लगे मैंने कविता नहीं पढ़ी पूरे हिंदुस्तान की बात कह दी हो तो मुझे इतनी दुआएं दीजिएगा कि मैं याद रखूं, कानपुर तक जाना है, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे देश के कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। क्या उसे देश के कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा
शर्म नहीं आती? एक कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो, उसका जवाब सुनिएगा। अगर आपको लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है तो उस जवाब पर हाथ उठा के ताली बजा के बताइएगा कि वो आपका जवाब है। उसने कहा कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी, मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले ही देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं, और हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश जुमलों से नहीं इरादों से चलेगा। दोस्तों, जनाब हेमंत पांडे साहब ने बड़े ही खूबसूरत व्यंग लतीफे और अपने कुछ कतात से हम सभी को नवाजा। बीच में उन्होंने अपनी शादी का जिक्र भी किया, मगर शादी के जिक्र के साथ साथ वो अपनी बीवी का एक वाकया यहाँ बताना भूल गए। एक बार उनके बच्चे ने उनकी बीवी से ये अर्ज किया कि मम्मी, मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। जब ये सवाल उस बच्चे ने अपनी वालिदा से, यानी कि इनकी अहलिया से किया कि अब मम्मी, मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं, तो उस बच्चे की मम्मी ने बेसाख्ता जवाब दिया कि बेटा, इतने बड़े तो तेरे अब्बू भी नहीं हुए कि बगैर पूछे कोई काम कर सके। बहरहाल, यहाँ तमाम पुलिस अफसरान भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। SSP ऑफिस का उन्होंने जिक्र किया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। आई हजरात, मेरी फहरिस्त में आपका एक बड़ा ही महबूब और खुददार शायर है जिससे मुलाकात करने का। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे, तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।